आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डब्ल्यू टी एस क्लासेज में। मैं इनमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज मैथ का पांचवा क्लास होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे एस आई ई के कुछ और फार्मूला के। अगर मैथ का चौथा क्लास नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। चलिए आज बात करते हैं डबल एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चन पे। डबल एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया कि दो बार अगर समय दिया हो, जैसे दो गुना और पाँच गुना वाला क्वेश्चन होता है तो टाइम इज इक्वल टू एन माइनस वन बट्टा एम माइनस वन इंटू टी वन होता है। टाइम टू यानी कि दो टाइम दिया हुआ हो और दो गुना दिया हुआ हो, कहने का मतलब ये है कि पाँच साल में अमाउंट जो होता है वो पाँच गुना हो जाता है, तो दस साल में अमाउंट कितना गुना हो जाएगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हम लोग निकालेंगे टी टू इज इक्वल टू एन माइनस वन बट्टा एम माइनस वन इंटू टी वन, ठीक है, हम इसे पुट कर लेंगे। और रेट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन माइनस वन यानी रेट टू इज इक्वल टू एन माइनस वन बट्टा एम माइनस वन इंटू आर वन। ठीक है, चेंज इन रेट क्वेश्चन। अब रेट जब चेंज होता है तब कोई जिसमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ हो और रेट चेंज होने के बारे में बात करें, तब वहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा आर वन इंटू टी वन, आर वन इंटू टी आर टू, आर टू इंटू टी वन, सही है आर वन इंटू टी वन माइनस आर वन इंटू टी टू। सिंपली हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं आर टी वन माइनस आर टी टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर टी वन माइनस आर टी टू बाई हंड्रेड इज इक्वल टू डी, क्योंकि रेट चेंज हो रहा है। लिखा हुआ क्वेश्चन में इस तरीके से कि दो रेट का डिफरेंस इतना दिया हुआ है तो इतना साल में इतना होगा तो कितना साल में कितना होगा, जो भी है उस तरह क्वेश्चन को हम लोग कर देंगे चेंज, मतलब उस तरह का क्वेश्चन में हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आर टी और माइनस आर टी टू बाई हंड्रेड। अगर रेट में कुछ बढ़ोतरी और घटोतरी हो रहा है तो रेट में घटे होगा अगर अमाउंट दिया हुआ हो तो ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस माइनस पी इंटू टी इंटू आर बाई हंड्रेड। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पी इंटू टी इंटू आर बाई हंड्रेड ये इंटरेस्ट है, ए इंटरेस्ट है, तो देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस माइनस आई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस माइनस आई। अब यहाँ प्लस माइनस दिए हैं तो प्लस इंक्रीज के लिए, अगर रेट इंक्रीज कर रहा होगा तो प्लस लगा देंगे फार्मूला में, अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो हम लोग माइनस लगा देंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।